नमस्कार दोस्तों, रेलवे ऑपरेटरशिप के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। जो AIRF के महामंत्री माननीय शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, वे अभी जो केंद्र सरकार के कर्मचारी और राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, इन सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली हेतु जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, AIRF के महामंत्री के द्वारा एक विशाल धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर दिया जा रहा है। तो दोस्तों, महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी उस धरना प्रदर्शन में जो अप्रेंटिसशिप की जो मुद्दा है, वह मुद्दा भी दोस्तों उठाए हैं। उन्होंने उस धरना प्रदर्शन में सरकार को यह बताए हैं कि आपको को एक एक अप्रेंटिसशिप को रेलवे में नौकरी देना पड़ेगा। दोस्तों, बहुत ही जोर शोर से महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी अप्रेंटिसशिप की जो GM पावर की मुद्दा है, वह उठाए हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने भारी मंच से यह ऐलान किया कि सभी अप्रेंटिसशिप को रेलवे में नौकरी देना पड़ेगा, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और मैं बराबर कहता हूं कि अप्रेंटिसशिप जो है इस देश में, ये जिनके बच्चे हैं उनके तो हैं, लेकिन हमारे अडॉप्टेड बच्चे हरिओम हरिओम, इनकी जिम्मेदारी तुमको लेनी चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ, इन साथियों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप घबराइए नहीं, जब तक आखिरी अप्रेंटिस को नौकरी नहीं मिलेगी तब तक ये झंडा आपके लिए लड़ता रहेगा। हम लोग आपके लिए, अभी मैं मीटिंग समाप्त करें जाएगी जी, उससे पहले। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा कि महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी जो अप्रेंटिसशिप की मुद्दा है, उनको जंतर मंतर के इस धरना प्रदर्शन और महा आंदोलन में उठाए हैं। दोस्तों, उन्होंने यह बोला कि जब तक एक एक अप्रेंटिसशिप नौकरी में नहीं आए, तब तक यह लाल झंडा आप लोगों के साथ खड़ा रहेगा। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो अप्रेंटिसशिप है जिनका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो 109 बैच की जो अप्रेंटिसशिप परेशान है, और जो GM पावर के लिए अप्रेंटिसशिप परेशान है कि जल्द से जल्द GM पावर लागू किया जाए। तो दोस्तों, इसके लिए महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी बहुत ही प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द GM पावर लागू हो और जल्द से जल्द सभी अप्रेंटिसशिप का सिलेक्शन हो। दोस्तों, उन्होंने यह भी बताया कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है, और लोकसभा के चुनाव से पहले जितने भी अप्रेंटिसशिप है सभी का ज्वाइनिंग होना चाहिए रेलवे के द्वारा। तो दोस्तों, उन्होंने बहुत जोर शोर से जंतर मंतर पर जो GM पावर की मुद्दा है उनको उठाया। दोस्तों, महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी हमेशा से प्रयास कर रहे हैं। जब रेलवे बोर्ड के साथ मीटिंग किए थे तो उनमें भी महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी GM पावर को मुद्दा को उठाए हैं। और दोस्तों, हाल फिलहाल रेल मंत्री जी से पर्सनली जा करके मिले थे महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी, और उनको एक AIRF के द्वारा जो लेटर जारी किया गया था, वह लेटर भी माननीय रेल मंत्री जी को दिए हैं कि जल्द से जल्द 109 बैच की जो अप्रेंटिसशिप की समस्याएं हैं और जो GM पावर की समस्याएं हैं, सभी समस्याओं को आप जल्द से जल्द इस पर गंभीरता से लीजिए और सभी अप्रेंटिसशिप को GM पावर के तहत आप भर्ती करिए। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी है वह अप्रेंटिसशिप को नौकरी दिलाने के लिए बहुत ही संघर्ष कर रहे हैं। और जो अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्र पासवान जी, आशीष मिश्रा जी, राकेश जी, सभी ने महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी का साथ दे रहे हैं। और दोस्तों, अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन भी इस जंतर मंतर के धरना प्रदर्शन पर पहुंचे हैं, और उन्होंने भी आवाज़ बुलंद की है कि जल्द से जल्द अप्रेंटिसशिप के लिए GM पावर लागू किया जाए। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, और भी जितने भी सामाजिक संगठन है, वे सामाजिक संगठन भी अप्रेंटिसशिप की GM पावर के लिए, अस्थाई नौकरी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। यहाँ तक कि विपक्षी दल भी
अप्रेंटिसशिप की नौकरी दिलाने के लिए आवाज उठा रहे हैं। विपक्षी दल यह आवाज उठा रहे कि स्किल्ड इंडिया का सपना तभी साकार होगा जब स्किल्ड कर्मचारियों को, स्किल्ड युवाओं को, उनको नौकरी दिया जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही जोर शोर से रेलवे अप्रेंटिसशिप की मांग उठ रही है। दोस्तों सभी अप्रेंटिसशिप को महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि वे जीएम पावर के लिए इतने संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ तक कि जंतर मंतर जो पुरानी पेंशन के लिए उस जंतर मंतर पे आंदोलन हो रहा था, उस आंदोलन में भी महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी जीएम पावर और रेलवे अप्रेंटिसशिप की मुद्दा उठाए हैं। तो दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है, चुनाव से पहले अप्रेंटिसशिप के लिए जीएम पावर लागू हो सकता है। जो अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन के लीडर राकेश जी है, उन्होंने यह बताया है कि इसी महीना के अंदर में जो जीएम पावर की जो आदेश है वह रेलवे बोर्ड से आ सकता है, उन्होंने ऐसा बताया है। तो दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट है, महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी जीएम पावर के लिए अप्रेंटिसशिप के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और जितना भी अप्रेंटिसशिप है वहां तक पहुंचाइए कि महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी अभी जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और अप्रेंटिसशिप की आवाज को उठा रहे हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।